यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहीं थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें दो दो तीन तीन मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उन्हें मुहांमुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया, और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया, और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया, और सर्राफों के पैसे बिथरा दिए और पीढ़ों को उलट दिया, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। सो जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे प्रयोजन न था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है।